हमने वोट दिया, हमने सरकार बनवाई, हम टैक्स दें, हम मेहनत करें, हम झंडा उठाएं, हम नारा लगाएं, हम दरी बिछाएं, हम मंच सजाएं, उसके बाद हमारे साथ ये धोखा, ये छल, इसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जज्बे शौके शहादत को क्या पूछिए। जज्बा कहते हैं उर्दू शब्द, चूंकि शेर तो अक्सर उर्दू में ही आपको मिलेगा, जो बब्बर शेर होगा ज्यादातर उर्दू में रहता है मुशायरे में। हाँ, तो ये जो शहादत का जज्बा जो होता है उसके विषय में कहा गया, शायर कह रहा है जज्बे शौके शहादत को क्या पूछिए, अब हथेली पे हमने भी सर ले लिया, अब कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा था कि जो इस वक्त पूरे देश में वातावरण बनाया जा रहा, जो माहौल बनाया जा रहा, जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है, राजनेताओं के द्वारा, सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा, सत्ता के नशे में चूर लोगों के द्वारा जिस तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है, जो माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से एक निडर बेबाक निर्भीक योद्धा और समाज की बात करने वालों को डराया और धमकाया जा रहा है और न डरने वालों को जबरन जेल में घुसाया जा रहा है, इस माहौल के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो जाहिर सी बात है कि उसका हाथ सर जो है हथेली पर होना ही चाहिए, वरना बोलना अब आसान नहीं रह गया। और ये कड़वा सच है, इस मुल्क के हालात तो आप देखें, अध्ययन कर, किसी राज्य में चले जाए, सरकारें किसी की भी हो, ये भी सुन ले, गलत पहमी ना पाले कभी, मेरी सरकार तेरी सरकार, मेरा दल तेरा दल, उसका दल उसका दल, किसका दल दल दल, पूरा दल दल हो चुका है। परिस्थितियां ऐसी हैं कि न्याय की मांग को लेकर आदरणीय एडवोकेट भानु प्रताप जी और भी एक वकील हमारे जाने माने, पहले भी आप सुनते आ रहे हैं, जिन्होंने भारत में ख्याति प्राप्त की है न्याय की लड़ाई लड़ने के नाम पर, और ईडी का छापा भी भुगता है, घंटों पुलिस के कैद में भी रहे हैं, बहुत जल्द वो भी आपके बीच होंगे, आप अनुभवी लोग यहां पर बैठे हैं। हमारा आपस में सामाजिक कोई डिस्प्यूट होता है, कोई मामला होता है, कोई अधिकार की बात है, अब यहां पर आप देख रहे हैं ये स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट की भी बात अभी होगी, वकील साहब करेंगे, हॉकर्स कानून की बात हो रही है, हम न्याय की मांग लेकर निचली अदालत में जाते हैं, जा रहे आ रहे हैं, जा रहे आ रहे हैं, जा रहे आ रहे हैं, टांग जो है घिस गया, चप्पल घिस गया, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा, और न्याय मिलता है तो मायूसी, फिर अगले कोर्ट में जाओ, ऊपर हाई कोर्ट, बीपी भी हाई हो जाता है सुनकर, हाई कोर्ट क्या फीस है भाग, वो तो वकील साहब जानते हैं जितने यहां पर है वकील, हाई कोर्ट जाने के बाद बीपी कितना हाई होता है, और हाई कोर्ट में भी चक्कर लगाते 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 जब थक हार गए तो फिर एक फैसला आएगा, और उस फैसले से भी मायूसी हो रही है, और फिर बंदा सोचता कब लगता है सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। हद तो यह है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने देश के कई बड़े चेहरों को मायूस किया है, इसमें कहीं को दो राय नहीं है, और ये अदालत की अवहेलना नहीं, मैं ये बात जो कह रहा हूं वो तथ्यों पर परख कर कह रहा हूं कि मायूसी हाथ लगती है। ये निजाम बना है, छोटे मोटे मामले थाने में चले जाइए साहब, पूरे दिन बैठाकर रखा जाएगा थाने के गेट पर, पूरे दिन आप यतीनों की तरह, लावारिसों की तरह दर दर भटके थाने के गेट पर, आपसे बात नहीं किया जा रहा, आपकी बातों को सुना नहीं जा रहा, समझा नहीं जा रहा, आपकी भावनाओं का आदर नहीं किया जा रहा है, और शाम होने के बाद ले दे करके मामला निमटा दिया जा रहा है, न्याय वहां भी नहीं मिल पा रहा है। और हालात ये है कि अगर न्याय की बात करने के लिए कोई खड़ा हो रहा है तो इन व्यवस्थाओं ने उन तमाम बात करने वालों को जेल की सलाखों में पहुंचाया है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं।
मुद्दे जितने भी उठे हैं, सामाजिक मुद्दे, जो आम जनों से जुड़े मुद्दे, गरीबों से जुड़े मुद्दे, मजदूरों से जुड़े मुद्दे, मजलूमों से जुड़े मुद्दे, आम गरीबों से जुड़े मुद्दे, अभी यहां पर एक बहन देशभक्त भारत मोर्चा का जब नाम आएगा तो उस आंदोलन का भी नाम आएगा कि नहीं आएगा, जरा हाथ उठाइए ना। कितने दिन से धरने पर हैं आप? 8 महीने से बैनर लगा है, रात का अंधेरा है, माइक लेकर मैं अपने एक सहयोगी के साथ पहुंचा, मैंने देखा रात के अंधेरे में नाले के किनारे मच्छरों की भनभनाहट में हमारी ये महिलाएं वहां धरने पर बैठी हैं और आदरणीय डीसी कपिल साहब के साथ चंद उनके सहयोगी बैठे हैं धरने पर। मुद्दा क्या है साहब, जरा पूछे ना मुद्दा क्या है? 5 मिनट का काम है सर, 5 मिनट का, 6 मिनट नहीं लगना चाहिए, आपको सुनना है, समझना और फैसला करना, लेकिन करना नहीं, चूंकि व्यवस्था जो बनाई गई है ये व्यवस्था जिलेबी से भी ज्यादा टेढ़ी कर दी जा रही है। आम जनों का संविधान से आस्था कम हो जाए, न्याय से भरोसा उठ जाए, आम लोग संविधान को कोसने लगे, इसलिए ऐसा किया जा रहा, इसलिए ऐसा किया जा रहा ताकि लोग छुट के, अरे कौन लड़ेगा, छोड़ यार, ले देकर खत्म कर, कौन न्याय मांगेगा, मिलता ही नहीं है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, हालात बिगड़ते रहे। उम्मीद की किरण बनकर अचानक एक बूढ़ा सा आदमी सफेद धोती और कुर्ता पहनकर और एक सफेद टोपी पहनकर रालेगंज सिद्धि से चलकर सीधा दिल्ली की पार्लियामेंट हाउस पर आता है और वो कहता है ऐलान करके कि अब जो हो गया वो हो गया, आज के बाद भ्रष्टाचार, कदाचार, दुराचार और ये जो तमाम चार है, कितने चार है, सबको मैं मिटा दूंगा, मेरा नाम है अन्ना हजारे। आपको याद है या भूल गया? नौजवानों में एक उम्मीद की किरण जगी, एक ललक, एक चमक, लोगों को लगा आहा, अब क्रांति, अब क्रांति जो पक्की गारंटी के साथ आएगी और व्यवस्था परिवर्तन होगा, अब न्याय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, अब रिश्वत देकर काम नहीं कराना पड़ेगा, अब कोई काम के पैसे नहीं मांगेगा, अब हम जो कहेंगे वो सुना जाएगा और हमारा काम किया जाएगा। लेकिन उस बूढ़े शेर के साथ जो जवान लोग जमा हुए थे, उसी जवान में से एक जवान का नाम है श्री श्री 420 श्री अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री मौजूद है। क्या व्यवस्था बदल गई? जरा हाथ उठाकर बताइए, बदल गई? रिश्वतखोरी खत्म हो गई? भ्रष्टाचार मिट गया? भैया हमने सारी ऊर्जा लगा दी अन्ना हजारे के साथ, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सरकारें बदल गई, व्यवस्था नहीं बदली। अन्ना आंदोलन ने सरकार तो बदल दी लेकिन व्यवस्था नहीं बदल पाया, फिर मुंह लटक गया, फिर मायूस हो गए, फिर उदास हो गए। उदास होते रहते हैं लोग, आकर उम्मीद जगाते रहते हैं, हम फिर उनके पीछे लगते रहते हैं और फिर ठगते रहते हैं वो हमको, और हम ठगाते रहते हैं। यही हो रहा है समाज का, यही रोना है कि किसके पीछे लगूं, किसके पीछे जाऊं, किसको नेता मानूं, किसको अपना मानूं। तो याद कर लो और लिखकर चले जाओ, जब तक परखो नहीं, जब तक नापो और तौलो नहीं, जब तक समझो नहीं, तब तक किसी के पीछे झंडा लेकर इंकलाब जिंदाबाद नहीं करना है। ये पहले प्रहार करो, पहले नापो, तौलो, परखो, देखो कसौटी पर खड़ा उतरता है या नहीं उतरता है। आलिए कोई भी नारा दे लिया, पोस्टर और होर्डिंग, अरबों खरबों रुपए के होर्डिंग लगाकर हर चौक चौराहे पर बकवास लिखकर रुपये को बर्बाद करकर और हमारे दिमागों को, दिलों को बदलने का काम किया जाता है। विज्ञापन की सरकार बनाई जाती है, गलत प्रचार बताया जाता है, मच्छर भनभना रहा है, मच्छर का पहरा चारों तरफ और लाखों के होर्डिंग एक एक जगह पर, बस स्टैंड में होर्डिंग, रेलवे स्टेशन में होर्डिंग, मेट्रो के स्टेशन पर होर्डिंग, सड़कों पर होर्डिंग, चौक पर होर्डिंग, फ्लाईओवर पर होर्डिंग। अरे क्या तमाशा है, किसके पैसे से ये अरबों खरबों के होर्डिंग लग रहे हैं ये बताओ, पर किसके पैसे से?
क्यों? अगर आप मेरे घर के बराबर में अच्छी सड़क बनाओगे तो मेरी आंख देखेगी या नहीं देखेगी? अरे हम अंधे हैं क्या? मेरी आंख नहीं देखेगी? अगर सड़कें अच्छी होंगी तो देखेंगी, स्कूल अच्छे होंगे तो दिखेंगे, अस्पताल अच्छा होगा तो दिखेगा, व्यवस्था अच्छी होगी तो दिखेगी, साफ सफाई होगी तो दिखेगी। अरे जब सब कुछ दिखेगी तो होल्डिंग लगाकर किसको बता रहे हो ये बताओ पे? क्या बंदे पहले हैं? तुमने क्या समझ रखा है? कहां से ये पैसे आ रहे हैं अरबों खरबों रुपए? होल्डिंग की सरकार बना रहे हो, सड़कों पर दर बदर भटकते ये लोग जो अपनी दिहाड़ी कमाने के लिए, अपने बच्चों के भूख को मिटाने के लिए सड़कों पर, पटरी पर, रेड़ी पर झल्ली पल्ली फेरा हल्दी मिर्ची लगाते हैं, इन हॉकर्स को आज तक आपने अधिकार नहीं दिया। बातें बड़ी बड़ी आप करते हैं, होर्डिंग बड़े बड़े लगाते हैं, हमारे ही पैसा लेकर हमें ही, हमारी बिल्ली हम ही को मेऊ, हमने वोट दिया, हमने सरकार बनवाई, हम टैक्स दें, हम मेहनत करें, हम झंडा उठाएं, हम नारा लगाएं, हम गली बिछाएं, हम मंच सजाएं, उसके बाद हमारे साथ ये धोखा, ये छल, इसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए जो गरीबों की लड़ाई लड़ता है, कौन लड़ता भाई? जो लड़ता है ना उसके पास होर्डिंग लगाने के पैसे ही नहीं, ये असल समझ लो। कितने महीने आ गए धरने के, एक बार फिर बताइए, 8 महीना ना? कितने होर्डिंग लगाए आपने? 200 महिलाएं धरने पर बैठी, 14 साल की नौकरी को ऐसे दूध की मक्खी की तरह निकालकर बाहर कर दिया, कोई कारण नहीं बताया। इनके पास होर्डिंग लगाने के पैसे नहीं, बैनर लगाने के पैसे नहीं, धरना को मेंटेन करने के पैसे नहीं, और बगल में विधायक जी और काउंसलर जी और सांसद जी है, वो रोज होर्डिंग में पोस्टर लग रहा, रात के 2 बजे पोस्टर लग रहे, आचार संहिता लगने के बाद भी रात के 2 बजे, कल की बात कर रहा हूं, 1:30 बजे मैं यहां से गया हूं, पोस्टर चिपक रहे थे आम आदमी पार्टी पे। कहां से पैसे आ रहे पूछो उनसे, सवाल पूछो, पोस्टर वोट देगा या आप वोट दोगे, कौन जिताएगा? आपके वोट से जीतेंगे या पोस्टर से? अरे आपके वोट से सरकार बनेगी या होर्डिंग से? सरकार हमारे वोट से जब बनेगी तो होर्डिंग क्यों लगवा रहे मेरे मुंह पर? तू घर से मैं निकला सुबह ही, सुबह चतरा खराब, सामने केजरीवाल दांत की छोड़ के खड़ा, कभी सामने मोदी जी खड़े। अरे साहब मैं चाहता हूं किसी और का मुंह देखूं, मैं अपने बाप का मुंह देखना चाहता, मैं अपनी मां का मुंह देखना चाहता कि मेरा दिल सुंदर हो जाए, और तू मेरे घर पर ऐसा लगा दिया कि दरवाजा खुलते सामने दांत की छोड़ के पड़ा है। बधाई हो आपके यहां काम हो गया, अबे काम मैं देख लूंगा ना, बधाई तू होर्डिंग में क्यों दे रहा भाई? मेरे भी आंख है, ऊपर वाले ने दिए हैं, तो ये सारे ड्रामे हो रहे हैं। लेकिन साहब आंख नहीं दिए, अब सुन लीजिए आप, अगर आंख दिया होता तो इन मक्कारों को हम सत्ता से उखाड़ दिए होते। ये मक्कार सत्ता पर इसलिए जमे हैं कि हम गोंगे, बहरे और अंधे। आंखें खोलो दिल्ली वालों, आंखें खोल लो, वरना ऐसे दिन आ जाएंगे कि आंखें खोलने दिया नहीं जाएगा। टीवी चलाओगे तो, बाहर निकलोगे तो, चाय की दुकान पर जाओगे तो, होटल पर जाओगे तो, बस स्टैंड पर जाओगे तो, ऐसा घेर लिया जाएगा कि सोचने का भी समय न दिया जाएगा। समय है आप देखो कि आपके हित की रक्षा की लड़ाई कौन लड़ रहा है, आपके सम्मान की लड़ाई कौन लड़ रहा है, सड़कों पर कौन भटक रहा है। 2200 वीडियोज हैं हमारे पास, आज मैं लेकर आया हूं 2200। कितने वीडियो? 2200 वीडियो, 53 फोटो है इंजीनियर डीसी कपल के धरने के, गटर में मौत किसकी हुई, सीवर में मौत किसकी होती है बताइए, अडानी की या अंबानी की? अरे सीवर में किसकी मौत होती है? सफाई कर्मचारी की। और हमारे लोग सीवर में मर रहे, कोई बोलने को तैयार नहीं, न कंपनसेशन की बात कर रहा, न पुनर्वास की बात कर रहा, न उनके पीढ़ी को नौकरी देने की बात कर रहा। तमाम लोगों की लड़ाई के बीच
इंजीनियर डीसी कपिल और एडवोकेट भानु प्रताप यहाँ मौजूद हैं, इनके क्लिप को उठाकर आप देखो कि जंतर मंतर से लेकर जहां जहां ये आवाजें उठाई गई हैं वहां पूरी ताकत के साथ पूरी सलाहियत के साथ ये अड़कर खड़े रहे हैं। जिनको भी देखना आज मैं लेकर आया हूं सर, आज मैं सारी तैयारी कर आया हूं, मैं दिखाना चाहता हूं और आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र पूरी दिल्ली तक ये संदेश पहुंचाइए। मक्कारों की मक्कारी को अगर नहीं पहचानोगे तो सुख का जीवन जीने ये नहीं देंगे तुम्हें। जब तुम इनके पीछे पड़ोगे, इनके पास दो तीन पुरिया दवा लेकर चलते हैं, दो तीन पुरिया। पहला पुरिया है हिंदू मुस्लिम, ज्यादा बुखार आया और ज्यादा ईमानदारी की बात किए, ज्यादा इनके खिलाफ पीछे पड़े तो एक पुरिया दवा देंगे हिंदू मुस्लिम, फिर दूसरी पुरिया दवा देंगे बिहारी बंगाली मराठी। लड़ाई में क्षेत्रवाद संप्रदायवाद, अब क्षेत्रवाद, फिर तीसरी पुड़िया निकालेंगे भाषावाद। और भाषा के हिसाब से अपने अपने लोग ये सेट कर रखे, इधर से तू पहले बोलेगा उधर से तू पहले बोलेगा, और धर्म के हिसाब से भी सेट करके रखा है। जो मुसलमान चिल्ला चिल्ला कर आपको टीवी पर दिखता है ना मुसलमानों की बात करता हुआ, समाज में मुसलमान के लिए नहीं लड़ रहा, मैच फिक्स हो जाता है। दोनों तरफ से भी इन्होंने सेट कर रखा मामला। ये सब कुछ आपको समझना होगा, समझने के लिए ज्यादा समय होता नहीं, इसके लिए परखना पड़ता। मैंने कहा नापो तौलो देखो, आपको पता है संविधान से छेड़छाड़ हुआ, संविधान से छेड़छाड़ हुआ SC ST एक्ट के खिलाफ। जब लोग सड़क पर उतरे तो कौन कौन आपके नेता उतरे थे? केजरीवाल थे क्या सड़क पर? 2 अप्रैल 2018 को केजरीवाल थे सड़क पर? अरे जोर से बोलिए ना भाई। राहुल गांधी जी सड़क पर थे क्या? मोदी जी थे क्या? आदेश गुप्ता जी थे क्या? आपके विधायक जी थे क्या? काउंसलर? अरे नहीं साहब, समाज था और सामाजिक योद्धा, उसके खिलाफ वो भी क्लिप लेकर आया हूं। 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हुआ, जो हालात बने, 14-15 नौजवान हमारे शहीद किए गए। 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का घेराव, मंडी हाउस से सुप्रीम कोर्ट का घेराव, ये क्लिप है हमारे पास। बड़ी तादाद में हम लोगों ने किया, सरकार का विरोध किया। तो लड़ कौन रहा है? लड़ रहे भानु प्रताप जी, लड़ रहे DC कपिल जी, लड़ रहे महमूद पराचा जी, लड़ रहे गुलाम सरवर, लड़ रहे इनके सहयोगी, लड़ रहे ये सारे मित्र। और आप किसका जिंदाबाद करने जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं आप? कहां खोए हुए? उसका जिंदाबाद जो आपको मैंने परेशानियों में मुब्तला देखकर खुश हो रहा, जो आपको उदास देखकर खुश हो रहा, जो आपकी परेशानियों को कम करने की बात कभी नहीं कर पा रहा। CA NRC का मामला हुआ था, बड़ा मामला हुआ था दिल्ली में, बड़े बड़े तुर्रम खान नेता आपने देखे होंगे, लेकिन CA NRC में चट्टानी ताकत के साथ पत्रकार महोदय आप याद करेंगे, इंजीनियर DC कपिल साहब को याद कर ले, भानु प्रताप जी को, पूरे भारत का दौरा किया था, पूरे भारत की बात कर रहा हूं। एडवोकेट भानु प्रताप, मैं जब पहुंचा लखमीनिया, वकील साहब को याद आ जाएगा, मैं मंच पर जब गया लखमीनिया तो देखा कि वकील साहब की तस्वीर पहले से लगी हुई है मंच पे ही। मैंने पूछा, बोले कल ही तो गए हैं यहां से, तो पूरे भारत का दौरा किया। इंजीनियर DC कपिल 3 दिन नजरबंद रहे, बहुत बड़ी सभा की देवली पहाड़ी के अंदर, लड़ाई लड़ रहे साहब। जब जब आपके ऊपर संवैधानिक संकट आया, सामाजिक संकट आया, चाहे वो मजदूरों की लड़ाई हो, मजलूमों की लड़ाई हो, अल्पसंख्यकों के हितों की लड़ाई हो, SC ST की लड़ाई हो, तमाम लड़ाइयों में अपने बच्चों को छोड़कर अपने बीवी बच्चों को त्याग करता ले आप। मैं त्याग शब्द कह रहा हूं, सुबह घर से निकलते हैं रात के 1 बजे पहुंचते हैं, इससे बड़ा त्याग क्या होगा आप बताओ। आज के युग में सुबह जो आदमी घर से निकलता हो और रात को 1 बजे बीवी बच्चे जागे मिलेंगे क्या? 1-2 बजे किसी के घर में बीवी बच्चे जागे हुए मिलेंगे? हम लोग जाकर क्या करते हैं, चादर निकाला और तकिया लगाए चुप से सो गए, बोल भी नहीं सकते डर से, बच्चे कहेंगे क्या कर रहे हो। ये त्याग आपके लिए, समाज के लिए, और अगर आप इनके पीछे नहीं चले, इनकी बातों को नहीं समझे, और बेईमानी क्या क्या हुई है मैं नहीं बताऊंगा, बेईमानी तो ये सब बताएंगे, सारा डेटा लेकर आया, सब RTI लगी हुई है। मुसलमान बड़ा खुश था, हमने भाजपा को हरा दिया, आम आदमी पार्टी को जिता दिया, उर्दू का जनाजा निकाल दिया इस केजरीवाल सरकार ने, उर्दू का जनाजा, ओखला जैसी जगह में उर्दू के टीचर नहीं, और जहां मुसलमान बच्चे हैं वहां साइंस नहीं। मैं NFC में जो स्कूल है,
जोगाबाई हाई स्कूल, मैं उसका एसएमसी का वीसी हूं। मैं चैलेंज करके कहता हूं, मैंने कई मीटिंगों में कहा कि मुझे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता मत समझो, मैं किसी दल का नहीं हूं। जो अव्यवस्था है उसको दूर किया जाए, ड्रामा बंद किया जाए। आप चार स्कूल को सैंपल दिखा दिखाकर और वो वकील जो बेचारा भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता क्या नाम है उसको दौड़ा दौड़ा कर स्कूल में गौरव भाटिया को, तो आप दो स्कूल दिखाकर ड्रामा मत कीजिए। जहां दलितों और मुसलमानों की बड़ी आबादी बस्ती है वकील साहब, उस मोहल्ले में स्कूल एक भी इनका सही नहीं है। कहीं टीचर नहीं है तो कहीं साइंस नहीं है, तो कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड का क्या हाल किया? इस मजलिस में कोई इमाम साहब, हाफिज साहब, मुअज्जिन साहब है क्या? लोकसभा चुनाव से पहले सर केजरीवाल जी ने ऐलान किया तमाम इमामों को और मुअज्जिन को हम तनख्वाह देंगे। बड़ी खुशी हुई, मौलाना लोग सोचे कि अच्छा हो गया। पत्रकार साहब याद है ना आपको, तमाम इमाम और मुअज्जिन को हम तनख्वाह देंगे लोकसभा चुनाव से पहले। 3 महीना तनख्वाह देके देख कितना बड़ा मक्कार। जब तक चुनाव चलता रहा 3 महीने तनख्वाह दी गई और भाजपा को मुद्दा दिया गया। भाजपा ने तकरीर में कहना शुरू किया, अरे केजरीवाल तो मुसलमान का हो गया, मौलाना को तनख्वाह देगा तो उस पंडित को क्यों नहीं देगा, पुजारी को क्यों नहीं देगा? अरे केजरीवाल तो किसी का नहीं हुआ, पुजारी को भी नहीं दिया, मौलाना को भी नहीं दिया, भाजपा को दिया मुद्दा और मुसलमानों को ठग लिया। अब इमाम बताए यहां पर कि तनख्वाह मिल रहा क्या? अरे तनख्वाह मिल रहा साहब, इमाम साहब तनख्वाह मिल रहा आपको, फिर क्यों आपने मुद्दे को खराब किया, क्यों आपने भाजपा को मुद्दा थमाया? यह सबसे बड़ा मुद्दा है। इसलिए ठगने वाले सावधान हो जाइए, हम जैसे हजारों लोग अब तैयार हो रहे हैं, हम ठगने नहीं देंगे। इसीलिए मैंने कहा सबको शौक राजनीति करने का। डीसी कपिल साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे तो नहीं लेगा क्या, भगा देगा क्या? अरे मैं किसी पार्टी में जाना चाहूंगा, कोई भगाएगा क्या हमको? लेकिन 17 साल हो गए दिल्ली में, किसी दल की गुलामी नहीं किया हूं, यह रिकॉर्ड बनाकर रखा हूं कि समाज के लिए लड़ना है, समाज के लिए जीना है, समाज के लिए बोलना है, समाज के लिए चलना है और समाज के लिए सोचना है। इसलिए दल में जाओगे तो गुलामी करनी पड़ेगी। केजरीवाल की जय, मोदी जी की जय, राहुल जी की जय, हम कहते हैं समाज की जय, समाज के लिए आगे आओ। इसलिए सामाजिक लोगों का आगे आना जरूरी है। मुद्दा यह है सुबह शाम हम मोदी 40 और केजरीवाल 40 पढ़ेंगे तो पार्टी में रहेंगे, नहीं तो लात मार के निकाल दिए जाएंगे। यही दलों की स्थिति है। आपको जो उनके सुपर बॉस सुप्रीमो, जो सुप्रीमो होते हैं उनकी आरती करनी पड़ती है सुप्रीमो की। कौन कहता है धार्मिक लोग हैं राजनीति में? अरे ये लोग जो अपने सुप्रीमो का गुणगान गा रहे हैं ये धर्म का भी अपमान कर रहे हैं, इन्हें समाज का, क्योंकि समाज में भगवान वास करता है, सुप्रीमो में नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इस मुद्दे पर संघर्ष हम लोग निरंतर कर रहे हैं। लेकिन साहब हम लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं है। आज पहली बार मुझे खुशी हो रही है कि बहुत ज्यादा कैमरा लग गया मेरे आगे। हम लोग तो तरसते हैं कि इतना कैमरा कब लगेगा भाषण में। कैमरा नहीं लगता, कैमरे पर और कलम पर पहरा है। तुम क्रांतिकारियों को दिखा नहीं सकते, एडवर्टाइजमेंट में तो कुछ और दिखाया जाएगा, मीडिया में तो कुछ और दिखाया जाएगा, आपके हितों की लड़ाई लड़ने वालों को तो किनारे लगाया जाएगा, ज्यादा उछलेगा मछली की तरह तो जेलों में पहुंचाया जाएगा। और लंबी सूची है, मैं नाम नहीं ले सकता कितने बेकसूर नौजवान जेल में हैं जिन्होंने सिर्फ हक की बात की थी, सिर्फ समाज और संविधान की बात की थी, सिर्फ इंसानियत की बात की थी, अमन और इंसाफ की बात की थी, उन्हें जेल की सलाखों में डाल दिया गया है। और जो लोग फितना और फसाद फैलाते हैं, जो लोग अमन को नुकसान पहुंचाते हैं, जो लोग इंसानियत को, मानवता को तार तार करते हैं, उन्हें खुलेआम घूमने दिया जा रहा है और भाषण करने दिया जा रहा है। इसी बार व्यवस्था के खिलाफ देशभक्त भारत मोर्चा मैदान में आई है। आज मैं आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग बड़ी तादाद में यहां सुनने आए हैं। मैं अपने उन तमाम भाइयों से जो लोग इधर उधर हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपके बीच इंजीनियर डीसी कपिल साहब अपनी बात रखेंगे, एडवोकेट भानु प्रताप साहब अपनी बात रखेंगे, एडवोकेट जो है जिनके सुनने के लिए आप लोग कई बार
कई लोगों से मेरी बात हुई कि भाई नहीं उनको तो बुलाइए, वो तो आते रहते हैं और अपनी बात रखते रहते हैं। तो ये जो महमूद प्राचा साहब और भानु प्रताप जी हैं, ये वो शख्सियत हैं जिनको लोग हिंदुस्तान के दूसरे कोने पर बैठकर सुन रहा है, अपना कीमती वक्त निकालकर यूट्यूब पर बैठकर देखता है। आज साक्षात आपके सामने हैं और अपनी बात आपके सामने रखेंगे। आदरपूर्वक मेरी विनती आपसे है कि आप इनके सुर में सुर मिलाकर गोलबंद होकर इनकी बातों को सुने और लोगों तक पहुंचाएं। सब मिल के पुकारोगे तो लौट आएगा माजी। माजी कहते हैं अतीत को, गुजरे हुए दिन को। सब मिल के पुकारोगे, टूट फूट कर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा बनकर नहीं, बिहारी यूपी और बंगाली बनकर नहीं, सब मिलके पुकारोगे तो लौट आएगा माजी। आओ मेरी आवाज से आवाज मिला दो और ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आदर और सम्मान के साथ मैं माइक पुनः